मगन होके सुनना, इतना प्यारा भजन है कि आप लोग डूब जाएंगे इस भजन के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए, क्या कहा? हो संता सुरगासु आग्यो रे संदेश बुलावो आग्यो राम को डाली मिनट प्रभु माने दो तो पहलो मिनट प्रभु माने दो तो करो बेटा सुबात एक मिनट प्रभु माने दो तो करो बेटा सुबात। राम जी देख रहे हैं बेटा आया और बेटे से माँ बोलती है बेटा अलमारी में गेड़ा रखा समझ रहे बात अरे अलमारी में गेड़ा रखा आपस में लीजो ये तो बात बुलावो आगे राम को सत्ता सुरगासु आगे रे संदेश बुलावो आगे राम को। ये भजन बड़ा प्यारा है, अब सुनिएगा। दूसरो मिनट प्रभु माने दो तो दूसरो मिनट प्रभु माने दो तो करो बेटी सुबात किससे बेटा हो गया बेटी। दूसरो मिनट प्रभु माने दो तो करो बेटी सुबात ए मारी बेटा मायरा की मन में रहेगी मायरा की मन में रहेगी बीरा भरेगा थारो भात बुलावो आगे राम को संता सुरगासु आगे रे सुनिए। पहले मिनट में उसने अपने बेटे से बात करी और बोली बेटा अलमारी में मैंने गहने रख रखे हैं सब काट लेना और लड़ाई झगड़ा मत करना। एक
माँ की आत्मा है, एक माँ का दिल है। दूसरे नंबर पे अपनी बेटी से बात करी, बेटा मायरा की तो मन में रहेगी कि थारो ब्याह करूँगा, लेकिन अब तो थारा बीरा ही थारो भात भरेला। अब तीसरा मिनट मांगती है, बोलती है प्रभु तीसरो मिनट प्रभु माने दो तो करूं बहु से बात। देखिए अक्सर एक बेटी पराए घर जाती है तो वो बहू बन कर जाती है, लेकिन रखने वाले को उस बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। आज का उदाहरण देना चाहती हूँ, जिस घर में मैं रुकी हूँ वहां पर एक बहू है, वो आज अपने मुझसे बात करते हुए बोल रही थी कि मुझे जैसे सास ससुर मिले हैं वैसे भगवान सबको दे, क्योंकि मेरे सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्रेम मेरे सास ससुर मुझसे करते हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे, ये होते हैं भाव। क्योंकि जब तक हम बहुओं को बेटियों की तरह प्रेम नहीं देंगे तब तक उनकी अंतरात्मा से ये सवाल जवाब नहीं निकलेगा, ये आवाज नहीं निकलती। अब बहू से क्या बोली सासू माँ, तीसरो मिनट प्रभु माने दो तो करूं बहू से बात, तीसरो मिनट प्रभु माने दो तो करूं बहू से बात। बहू रानी मैं तो घर ने बात के राखो, संस्कार बता रहे मैं तो घर ने बात के राखो, अब लो संभालो आके हाथ गुलाबो आगो काम को संता सुन जा सुन आगो रे संदेश गुलाबो आगो राम को। आपको मिल गई होती तो फिर बेटे वाली बात ही भूल जाते, बस अलमारी। दूसरे नंबर पर बेटी से बात और तीसरे नंबर पर बहू से बात, अब कौन सा नंबर आता है सुनिएगा। चौथो मिनट प्रभु माने दो तो, चौथो मिनट प्रभु माने दो तो करो पता सो बात। देखिए एक माँ को अपने बेटे से जितना प्रेम नहीं होता उससे ज्यादा अपने पोते से प्रेम, सच बता रही हूँ, होता है ना। चौथो मिनट प्रभु माने दो तो करूं पोता सो बात। पोता आया और दादी की हालत देख के रोने लगा, दादी आप कहाँ जा रही हो, तो दादी बोली बेटा दादी जी तो सुरगा चाली, दादी जी तो सुरगा चाली गुण तो करेगा थारो लाड गुलाबो आगो राम को संता सुरगा सुर आगो रे संदेश गुलाबो आगो राम को। कई माताएं बहनों के आंसू आ गए,
मेरा आप लोगों को रुलाने का इरादा नहीं है, लेकिन इस भजन के अंदर एक माँ की ममता माँ किसे कहते हैं जो जन्मदात्री है। चैलेंज करती हूँ एक आदमी को कि 9 दिन तक अपने पेट पर पत्थर बांध कर नहीं रख सकता, लेकिन एक माँ होती जो 2 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पालती है और एक महान कार्य करके अपने बच्चे को जन्म देती है। इतनी महान है महिला, माँ का दिल कितना मजबूत होता है। अंतिम 5 मिनट प्रभु माने दो तो, राम जी की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, पर राम जी जानते हैं कि मिथ्या मोह माया है, जो कलयुग में आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। मैं भी आया था, मुझे भी जाना था, लेकिन उस महिला का प्रेम देखकर भगवान राम सोच रहे हैं 5 मिनट प्रभु माने तो करूं पति सो बात। किसे? आखिरी में पति, ये भावना है। आखिरी मिनट प्रभु माने तो करूं पति सो बात। पतिदेव आए और पतिदेव से बोले कि पतिदेव, पूरे जीवन मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, जो भी दिया आपने मुझे अपनी मर्जी से दिया, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। देखिए पति की आंखों में आंसू आ गए। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सुख में और दुख में बराबर भागीदारी होती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माँ सीता ने क्या कहा कि जी बिन देह न दी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनो नारी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जो कोमल फूलों पर चलने वाली माँ सीता बड़ी बड़ी चट्टानों पर नंगे पैर चली है सिर्फ अपने पति के खातिर, आज वही माँ अपने पति से कह रही है। क्या कहती है? पतिदेव एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे। और क्या मांगा उसने? अरे मेहंदी कुमकुम रोली ले लो, मेहंदी कुमकुम रोली ले लो, मोतिया से भर दो मारी मांग, गुलाबो आगो राम को संता सुरगा सुर आगो रे संदेश, गुलाबो आगो राम को। पूरा विश्वास है पूरे पंडाल से आशीर्वाद मिलेगा। अगर भजन पसंद आया है तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा कर देवे। संता सुरगा सुर आगो रे संदेश, गुलाबो आगो राम को, गुलाबो आगो राम को, गुलाबो आगो राम को, गुलाबो आगो राम को, गुलाबो आगो। बोले रामचंद्र भगवान की, एक नई रचना आप सबके बीच में प्रस्तुत की।